केरल की पिनराई विजयन सरकार का एक कदम इस समय चर्चा का केंद्र बन गया है। दरअसल केरल सरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केरल सरकार के इस कदम पर केरल सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। केरल सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केरल सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्य विधानसभा से पारित 4 विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी नहीं दी है। राज्य सरकार का आरोप है कि राष्ट्रपति ने बगैर किसी कारण के विधेयक को मंजूर न करने का असंवैधानिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में कई अन्य राहतों के अनुरोध के अलावा 7 विधेयकों को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अपने पास रोके रखने के कदम को गैर कानूनी घोषित करने का न्यायालय से आग्रह किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने राज्यपाल पर विधानसभा से पारित कई विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अदालत ने पिछले साल 20 नवंबर को याचिका पर राज्यपाल के कार्यालय को नोटिस जारी किया था। केरल सरकार ने कहा कि विधेयकों को लंबे और अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने और उसके बाद संविधान से संबंधित किसी भी कारण के बिना राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने में राज्यपाल का आचरण स्पष्ट रूप से मनमाना है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इसके अलावा इन कार्रवाइयों ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत केरल राज्य के लोगों के अधिकारों को राज्य विधानसभा के अधिनियमित कल्याणकारी कानूनों के लाभों से वंचित कर दिया है। वहीं भाजपा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के कदम के लिए केरल की वामपंथी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि यह महिलाओं और आदिवासी समुदाय के प्रति मार्क्सवादी पार्टी के भेदभाव को दर्शाता है।